नमस्कार मेरे भाइयों। तो आज मैं कुछ एक मिनी सीरीज़ की तरह चालू कर रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से यूट्यूब से बाहर था, तुम लोगों को भी पता है मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था। मेरे को भी कभी कभार रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार ऑफ द ट्रैक जाने की ज़रूरत पड़ती है, वही मैं कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैं रेगुलर हो रहा हूँ, मैंने कल वीडियो भी पोस्ट किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे 12th से रिलेटेड, 11th क्लास भी मैं चालू कर रहा हूँ बहुत जल्दी ही। सोचा कि आज तुम्हें कुछ नया सिखाऊं और ऐसे बहुत सारे सेशंस लूँ। कल मैंने प्लान किया कि मैं क्रिप्टो से रिलेटेड एक ब्रांड को लेके आऊँगा, आज मैं एक सेपरेट ब्रांड को लेके आया हूँ। और ऐसी मिनी सीरीज मैं रात को चालू रखूंगा, सो दैट जब भी तुम रात को यूट्यूब खोलो तो यू शुड लर्न समथिंग एजुकेशनल, कुछ एक अलग ही चीज़ तुम्हें सीखने को मिलनी चाहिए। और इसी मोटिव के साथ आज मैंने फूल ब्रांड को मेरे को इंट्रोड्यूस करना है, तो इसी अच्छी बात में शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं कुछ बताऊं फूल ब्रांड के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं मीत भाई साहब को बुलाना चाहता हूं, बिकॉज मैं कुछ डिस्कॉर्ड पे तुम लोगों के लिए इवेंट्स भी करवा रहा हूं रिलेटेड टू मैनी थिंग्स। तो मीत भाई साहब प्लीज ज्वाइन मी। सो मेरे भाइयों, हम लोग डिस्कॉर्ड पे सेशंस कराते हैं, अगर तुम लोगों को नहीं पता कॉमर्स बाबा डिस्कॉर्ड पे भी है, कॉमर्स बाबा का खुद का डिस्कॉर्ड सर्वर है, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास मेंबर्स हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन मैं बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को डिस्कॉर्ड सर्वर पे लेके आता हूँ, बहुत सारे सेशंस करवाता हूँ। तो कुछ सेशंस कल से चालू होने वाले हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे। रात को कितने बजे? रात को 9 बजे होने वाले। पक्का? पक्का। किसका? हम्बल इंडिया के साथ हमारा कोलेबोरेशन है। मतलब बेसिकली ये मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है जो अलग अलग जगह पे जाके इवेंट्स करवाता है। ओके, सो हम्बल इंडिया करके एक ब्रांड है, इंडिपेंडेंट ब्रांड है, जो कि बहुत सारे सेशंस करवाता है रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। देखो यार, कोविड के और उसके अलावा भी करियर काउंसलिंग वगैरह भी बहुत कुछ है, क्योंकि वो मुझे जिस तरीके से देख रहा था मैं समझ गया। तो ये सेशंस डिस्कॉर्ड सर्वर पे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिल सकती हैं। मे बी कौन सा कॉलेज तुम्हें चूज़ करना चाहिए, कौन सा करियर ऑप्शन तुम्हें चूज़ करना चाहिए, कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है, फैमिली रिलेटेड इशू है, फ्रेंड्स रिलेटेड इशू है, वो सारी चीज़ें कल से वो सेशंस में चालू होने वाली हैं। तो मीत भाई साहब, वो सेशन कब से चालू है कल? वो सेशन कल रात से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेंगे, रात को 9 बजे। डिस्कॉर्ड की लिंक तुमको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन करो। एंड देन सीबी अनाउंसमेंट्स करके एक टेक्स्ट चैनल आता है, वहाँ पे वो सारे सेशंस 7 दिनों तक चलते रहेंगे। मेंटल हेल्थ हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, नेटवर्किंग हो गया, उसके साथ साथ कॉलेज ऑप्शंस हो गए, अपने इंटरेस्ट को मोनेटाइज करना हो गया, इन सभी चीज़ों पर ये 7 दिन सेशंस होने वाले हैं। लास्ट दिन सारे आर्टिस्ट हम्बल इंडिया की साइड से, दरबार सर्वर से एंड कॉमर्स बाबा सर्वर से, कॉमर्स बाबा के सर्वर पे आने वाले हैं। हाँ। और अपने अलग अलग चीज़ों पे, मतलब म्यूजिक हो गया, पोएट्री हो गई, डांस हो गया, कुछ राइटअप्स हो गए, कुछ बुक्स हो गई, वो जो भी उनका आर्ट रहेगा वो प्रेजेंट करने वाले हैं। और फिर उसके बेसिस पे बेस्ट एंटरटेनर, बेस्ट परफॉर्मर, ये सारे हम अवार्ड्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, इफ समबडी इज वॉचिंग फ्रॉम यूट्यूब, और उसमें भी कोई टैलेंट है तो वो वहाँ डिस्कॉर्ड सर्वर पर बता सकता है, राइट? बिल्कुल। And anyone can join from YouTube completely free of cost? Completely free of cost. And all will be the professionals जो वहाँ पे आके discussions करेंगे, बताएंगे। Right. हाँ। With a specific degree, right? है ना? ठीक है। तो thank you मीत भाई साहब, thank you. And सारे जो भी links हैं, ये जो sessions होने वाले हैं, Discord server का link description में मैं डाल दूंगा। Come join our Discord server, वहाँ पे एक कुछ अच्छे discussions, healthy discussions होने चाहिए। So thank you मीत भाई साहब। So मेरे भाइयों, नमस्कार। मैं आज जिस ब्रांड की बात करने वाला हूँ, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है, प्लस नेवर नेवर एंड नेवर स्पॉन्सर्ड, ऐसे मुझे कभी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मैंने अपने हार्ड एंड मनी से ख़रीदा है, बिकॉज जब से मैं थोड़ा सा मैच्योर हुआ हूँ यूट्यूब पे, आई फील द वाइब, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे एक अलग ही ऑरा बना हुआ हो, एक मतलब एक अलग ही एनवायरनमेंट बना हुआ हो, बिकॉज आप दूसरे डायमेंशन में चले जाते हो काम करते करते, जब भी एक अलग ही ऑरा बना होता है। आप मॉर्निंग में उठो, नहा धो के जब काम करने बैठो, तो मतलब इसका क्या काम है अगर तुम मुझसे पूछना चाहो। और मैंने यही ब्रांड को क्यों चूज़ किया, क्या उन्होंने मुझे पैसे दिए, वैसे तो नहीं दिए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। सो देखो यार, फूल ब्रांड जो है, ये लग्जरी इंसेंस कोन्स बनाते हैं, मतलब क्या हुआ, धूप बत्ती बनाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं इसकी पैकेजिंग खैर तुम लोग देख ही लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्रांड है, इससे मेरा अफेक्शन कैसे हुआ, देखो मैं है ना ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स को ईमेल डालता रहता हूँ, अप्रोच करता रहता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता रहता हूँ कि मैं उनके ब्रांड्स के बारे में यहाँ कॉमर्स वॉप पर अब बात कर सकूँ। फ्रॉम पास्ट 1 वीक मैंने ये सोचा, आइडिया आया और मैंने चालू कर दिया। तो जब मैंने फूल ब्रांड के बारे में रिसर्च करना चालू किया,
तो मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता लगना चालू हुई. नाउ ईच दिस पैक कॉस्ट मी नियर अबाउट 145 रुपीज. अब ये मैंने क्यों लिया, जरा रीजन सुनना. हुआ क्या, मैं ऐसी रिसर्च कर रहा था, फेसबुक में चलाता रहता हूं, पता नहीं क्यों अभी भी मैं अंकलों वाली हरकतें आ गई हैं या जो भी है. तो जब मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि मुझे ऐसे ब्रांड्स के बारे में जानने मिलता है जो स्टार्टअप काइंड ऑफ है. अब इसको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो चुका है इस ब्रांड को, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्टार्टअप है, बट हाँ अर्ली फेज में ही है अपने. तो जब मैंने इसकी बैक स्टोरी सुनना चालू की, तो हुआ क्या, पता लगा मुझे कि फूल ब्रांड अपने आप में एक वो ब्रांड है जो वेस्ट में फ्लावर्स निकल जाते हैं ना. अगर तुमने गंगा रिवर में देखा होगा कितने फूल बहते रहते हैं, लोग जो चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं या मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं, फूल वगैरह चढ़ा के जाते हैं, ये बहुत सारे फूल जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि चढ़ा दिए एक बार तो उनका काम खत्म हो गया. तो ये जो ब्रांड है ये क्या करता है, ये उन्हीं फूलों को वहां से लेता है और फिर उन्हीं फूलों से ये इंसेंस कोन बनाता है. नाउ अच्छी बात इसमें क्या है, सबसे पहली चीजें रिसाइकल हो रही हैं और उनका बेटर यूज हो रहा है. यू गेट अ स्टोरी. सी एवरी ब्रांड इज ऑल अबाउट अ स्टोरी. अगर तुम्हें उसके पीछे की कोई स्टोरी ना मिले ना, जस्ट एक हाई एंड ड्राई चीज मिल जाए कि हाँ ये है, इससे ये काम निकलता है, तो यू विल नेवर फील एन इमोशनल कनेक्ट. मुझे इस ब्रांड से एक इमोशनल कनेक्ट मिलता है. उसका एक और रीजन है जो मैं आगे बताने वाला हूं. हुआ क्या, जब मैंने ये पढ़ा मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो यार फूल यूज हो रहे हैं गंगा रिवर में जो फ्लोट होते रहते हैं या जो मंदिरों में यूज होते हैं, वेस्टेज है उसको यूज किया जा रहा है इंस्टेड कि वो कहीं डस्टबिन में पड़े हुए हैं, तो एक इमोशनल कनेक्ट मेरा आया. लेकिन उसके बाद मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली. होता क्या था, जो वहां की महिलाएं हैं जहां पे ये एस्टेब्लिश्ड है, मैं एग्जैक्टली अगर तुम लोगों को बताऊं कानपुर की बात चल रही है यहाँ पे, तो कानपुर में ऐसे काफी गरीब इलाके हैं जहां पे वहां की महिलाओं को जब रोजगार नहीं मिलता था तो वो हॉस्पिटल्स में जाके काम करती. अब हॉस्पिटल में उन्हें पट्टी करना पड़ती, ड्रेसिंग वगैरह जो करती हैं एक्सीडेंट में आते, तो उनके लिए वो बहुत हॉरिफाइंग सिचुएशन थी बिकॉज वो मजबूरी में वो चीज कर रही है. दे हैव नेवर बीन ट्रेन्ड फॉर दिस, ऑल्दो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके वो काम करने लगी, बट क्या वो मन से वो चीज कर रही थी, बिल्कुल नहीं. तो उनके लिए वो बहुत हॉरिफाइंग इंस्टेंसेस होते थे कि भैया उन्हें वो चीज मजबूरी में करनी पड़ रही है. तो इस कंपनी ने क्या किया, उन्हीं महिलाओं को अप्रोच किया जो कि अपनी शायद जॉब पसंद नहीं कर रही थी या जो ऐसी जगह पे थी जहां उन्हें वो काम बिल्कुल भी नहीं करना था, बट पैसे की मजबूरी के कारण वो कर रही थी. उन्होंने उन महिलाओं को लिया और जो बोलते हैं ना महिला सशक्तिकरण जिसे हम कहते हैं, एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं, उन महिलाओं को लेके इस ब्रांड को बिल्डअप किया है. एंड वहां पे मेरा इमोशनल कनेक्ट और ज्यादा बढ़ गया कि चलो यार इफ आई परचेज दीज मच अमाउंट ऑफ फूल, और ये इतने ही नहीं है इसके अलावा इतने ही और रखे हुए हैं, अगर मैं इतने ही ये प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ तो समहाउ आई एम हेल्पिंग द सोसाइटी इन बोथ वेज. एक तो जो फ्लावर्स बर्बाद हो रहे थे रिसाइकिल होके वो मेरे घर पे पहुँच गए, एक अलग ही फील है कि ओके ठीक है यहाँ वहाँ से ये फूल आए हुए हैं, प्लस इनको डायरेक्टली गार्डन से प्लग नहीं किया गया, किसी कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में नहीं उगाया गया, इट इज समथिंग दैट हैज बीन रिसाइकल्ड, सो आई एम हेल्पिंग द एनवायरमेंट इन सम और द अदर वे. प्लस एक एम्बियंस बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है. एट द सेम टाइम मैं इनको फाइनेंशियली बैकअप करके उन महिलाओं को भी सपोर्ट कर रहा हूँ जो आज अपने मन से वो काम कर रही हैं, वो दिल से काम कर रही हैं, लगी हुई हैं वो इस चीज़ में, एंड अपने लिए हार्ड अर्न मनी वो अर्न कर रही हैं, अपनी मेहनत का पैसा कमा रही हैं, अपने परिवार को पाल रही हैं. सो जब मैंने मैं एक वीडियो लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूंगा वीडियो लिंक, और साथ साथ में मैं क्या बोलते हैं जो इनकी वेबसाइट है उसका लिंक भी तुम लोगों को दे दूंगा. सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, तुम लोग भी इस चीज को मेरे साथ पढ़ो. विथ एवरी परचेज ऑफ फूल लग्जरी इंसेंस कोन्स यू ब्रिंग होम अ स्टोरी ऑफ चेंज. एंड ये मुझे बहुत ज्यादा हिट की थी. सी इफ एवर आई विल मेक माय ओन प्रोडक्ट, तो मैं एक चीज तो सीख चुका हूँ इन बीइंग दिस कॉमर्स फील्ड, के एक इमोशनल कनेक्ट या स्टोरी लाइन होना बहुत जरूरी है. अ स्टोरी ऑफ सेविंग द रिवर गंगा, अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन who roll the incense by hand. So, ये जो cones हैं, इनको हाथों से बनाया जाता है. ये कोई machine made चीज़ नहीं है या बहुत बड़ा कोई एक business नहीं है जिसमें you know thousands and thousands of machine लगी हुई हैं और bulk में बन रहा है. और literally ये जो quality है वो इस चीज़ में दिखती है. जब तुम use करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा. Made from sacred temple flowers, these incense are carefully crafted by combining Ayurveda and our cutting edge research. जो भी उन्होंने research किया होगा. We are glad that you have chosen a box of change. So, again I'll say I'm very happy. And it's not about के
मैंने कोई बहुत बड़ी बात कर दी है, बट यू शुड ऑल नो अबाउट दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स. तुम लोग अभी 17, 18, 19 साल के बच्चे हो, इवन मेरे को काफ़ी बच्चे जो अभी 10th में भी है वो भी देखते हैं, एंड दिस कंटेंट इज़ फॉर यू ओनली, कि 10th, 11th, 12th एंड इवन जो कॉलेजेस में हैं उनको इसके बारे में पता चले कि इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो ऐसा कुछ चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू शुड ऑल्सो सपोर्ट दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स. मेरे पास ऑब्वियसली मैं इनको अप्रोच नहीं कर पाया, इनका कोई रिप्लाई नहीं आ पाया, तो आई डोंट नो, मतलब मैं चाहता भी कि कोई प्रोमो कोड दे दूं या कुछ दे दूं, बट आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज मेरे पास इनकी कोई अप्रोच नहीं है अभी हाल फिलहाल. तो बट व्हाट आई कैन से इज यू विल लव दिस ब्रांड वंस यू विल परचेज एनी ऑफ देयर प्रोडक्ट, एक बार ज़रूर लेके देखना. एंड अभी इनकी राखी वगैरह भी आई थी जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इतना पसंद नहीं आया था, बिकॉज 300 rupees वर्थ ऑफ राखी तो मैं नहीं खरीद सकता, बट दिस इज समथिंग आई एम इन लव विथ. एंड जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनके जो फाउंडर हैं उनकी एक स्टोरी है बहुत शानदार, कि जब इन्होंने ये चीज़ चालू की थी, तो हर्डल्स हर बिजनेस में आते हैं, हर न्यू बिजनेस में आते हैं, तो ये जब मंदिर में ये फूल लेने पहुँचे और ये जब फूल कलेक्ट कर रहे थे, मुझे मीत ने ये स्टोरी बताई थी, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम हुई कि वहाँ के जो साधु संत थे उन्होंने बोला कि ये भगवान को अर्पण किए हुए फूल हैं, आप इनको ऐसे लेकर नहीं जा सकते. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैट्स ऑफ टू द फाउंडर के उन्होंने जो रिप्लाई दिया कि भगवान कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, तो जो भगवान पे चढ़ाया है भगवान कहता है कि तुम्हारा ही है वो सब कुछ. तो इस हिसाब से साधु संतों को जब ये बोला गया कि भगवान खुद ही कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है, क्यों नहीं ले सकता मैं ये फूल और क्यों यूज नहीं कर सकता, जबकि बाय द एंड ऑफ द डे वो वेस्ट ही हो जाएंगे. तो एंड दैट्स हाउ द स्टोरी ऑफ फूल स्टार्टेड. सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग. आई होप तुम लोगों को कुछ डिफरेंट लगा होगा, कुछ नया तुमने सीखा होगा. दिस इज़ नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, और कल भी एक और वीडियो आएगा तुम लोगों को कुछ सिखाने के लिए, एंड मैं ये जर्नी चालू रखूंगा इफ़ यू वॉन्ट विथ जो भी अपने 12th के वीडियोस हैं, मैं 11th के वीडियोस भी जल्दी लेके आ रहा हूँ, इन दोनों के साथ ये भी स्टोरीज चालू रहेंगी, सो दैट एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू, कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट. और उसके बाद ये जो मैं बी आवारा की टी शर्ट पहना हूँ, अगेन इट्स नॉट अ लग्जरी ब्रांड जो मैं पहनता हूँ, इट्स ऑल्सो अ स्टार्टअप टी शर्ट, तो मैं इसके बारे में तुम्हें एक दिन स्टोरी जरूर सुनाऊंगा. तो तब तक के लिए मेरे भाइयों बहुत सारा प्यार और धन्यवाद.